राधे राधे मित्रों, मैं अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। एक हर्बल टी देगी आपको कोरोना से मुक्ति या बचाव। ये जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्लीज़, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, बेल बटन को दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में ही उन सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या वॉच किया हुआ है। और आपको जो भी मेरे से जानकारी चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, प्लीज़ आप उस पर कमेंट करके मुझसे कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं वो भी अवश्य आप करा सकते हैं। करोना जो कि आज विश्वभर में महामारी के रूप में फैला हुआ है, पूरा भारत लॉकडाउन की स्थिति में है और अभी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है, साथ में ही ना ही इसके अभी बहुत जल्दी ही खत्म होने के कोई आसार हैं। कम से कम ये करोना हमारे बीच में साल से डेढ़ साल रहने वाला है और हमें इसके साथ ही रहने की अपने आप को आदत भी डालनी पड़ेगी। तो सरकार के दिए निर्देशों के अनुसार जैसे सैनिटाइजर करना, अपने आप को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीन चीज़ों को तो हमें हर समय फॉलो करना ही पड़ेगा जब तक कि इसकी मार्केट में कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है। साथ में ही हम कुछ अपना ऐसा कुछ घरेलू उपाय कर लें जिन्हें हम डेली करते जा रहे हैं, यानी कि हमें इन्हें लंबे समय तक करना है जिससे कि हम कोरोना के संकट से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको साथ में हमारे जो प्लेनेट इस समय खराब पोजीशन में चल रहे हैं उनसे भी हमारा बचाव हो सके, हमारे ग्रहों की दशाएं हमारी कुंडली के अनुकूल हो जाएं। तो आपको डेली सुबह दो चुटकी फिटकरी डाल के आधा गिलास पानी में उससे कुल्ला भी करना है, साथ में उससे गरारे भी करने हैं जिससे कि आपके मुंह में कोई भी बैक्टीरिया वायरस ना पनप पाए, क्योंकि फिटकरी एंटी बैक्टीरियल होती है जिसमें कि इतनी क्षमता होती है वो किसी भी बैक्टीरिया को तुरंत मार सकती है। तो अगर हम डेली एक प्रक्रिया करेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता हमारे मुंह में कोई बैक्टीरिया है भी तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया हमको डेली करनी है जिससे कि हमारा बुध ग्रह मजबूत होगा। बुध ग्रह मजबूत जो कि वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है, साथ में ही बुद्धि का भी कारक है। तो हमें इससे ये तीन धन मिलने वाले हैं। साथ में मैं आपको एक हर्बल टी बताने वाली हूँ जो कि हमारे बाकी के ग्रहों को मजबूत करेगी, साथ में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी जिससे कि हम इस कोरोना से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। आपकी बहुत हेल्प करेगी ये हर्बल टी। इसमें आपको करना है, एक व्यक्ति के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उसकी क्वांटिटी उस हिसाब से बढ़ाते चले जाइए। एक व्यक्ति के लिए आपको चाहिए उसमें एक तेज़पत्ता, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा इंच आपको दाल चीनी का टुकड़ा, एक हरी इलायची, चार पांच काली मिर्च के दाने, चौथाई चम्मच कच्चा जीरा और एक चुटकी हल्दी। इसको डेढ़ कप पानी में आपको बॉयल करना है। दो तीन बॉयल आ जाएं उसके बाद उसको बंद कर दीजिए और ढक के रख दीजिए। उसके बाद इसको गर्म ही गर्म, इसमें आप अगर डायबिटिक नहीं है तो आप शहद डाल के या गुड़ डाल के भी पी सकते हैं, और आप ऐसे ही पीना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको पी सकते हैं। जो डायबिटिक हैं वो इसमें शहद या गुड़ ना डालें। इसको आपको लगातार, जब तक कि ये कोरोना का संकट हम लोगों पर मंडरा रहा है तब तक आपको लगातार सेवन करना ही है। आपके घर में जितने सदस्य हैं उसी क्वांटिटी में इसकी मात्राएं, जैसे चार लोग हैं तो चार तेज पत्ते, चार हरी इलायची और उसमें उतनी ही काली मिर्च के दाने जितने मैंने आपको बताया है, चार चुटकी हल्दी, इस तरह से आप उसमें डाल के उसको काढ़े को बना के रख लीजिए। और बाकी बचा हुआ सामान आप इजीली उसको सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सब्जी में आप छौंक और भगार के तौर पर दालों में, सब्जियों में, आप इसको रसीली सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका वो सामान आपका वेस्ट भी नहीं जाएगा, वो सब कुछ इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आप उसको घी में भून के इस्तेमाल करेंगे तो आपके खाने का भी जायका बढ़ जाएगा। अपने साथ साथ इस चीज़ को अपने घर में आने वाले सभी काम वालों को, चाहे वो आपकी काम वालियाँ हों या आपके यहाँ जो काम करने वाले वर्कर्स हों, सभी को साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी समझाइए, इस चीज़ की महत्ता बताइए। उनसे भी कहिए कि मास्क लगा कर रखें, हाथों को समय समय पर धोते रहें, लोगों से दूरी बनाकर रखें, अपने आप को दिन में दो बार नहाने का काम करें, और साथ में उन्हें ये हर्बल टी के बारे में बताइए। अगर वो नहीं खुद बना पाते हैं तो जब वो आपके घर में आते हैं तब आप उसको थोड़ा ज़्यादा बना के रख लीजिए और सबको उनको थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दीजिए। आपका ये प्रयास
आपको तो स्वस्थ रखेगा ही रखेगा, साथ में आपके घर में आने वाले सभी लोगों को स्वस्थ रखेगा, साथ में आपका भी एक प्रयास कोरोना से लोगों को बचाव में आपकी मदद करेगा। ये एक प्रयास ही आपको लोगों के बीच में सराहना का पात्र भी बनाएगा। इसके साथ ही आप एक चांदी का छल्ला अपने हाथ में अवश्य धारण करें, क्योंकि चांदी मन को स्ट्रांग करती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तो हम बीमार होने लगते हैं, तो चांदी की कोई भी चीज़ आप उसे गले में चैन के रूप में भी पहन सकते हैं, पेंडल के रूप में भी पहन सकते हैं, और रिंग के रूप में भी पहन सकते हैं, और कड़े के रूप में भी पहन सकते हैं। आपको जैसे जो उचित लगे वैसे आप इसको धारण कीजिए। और मेरे द्वारा प्लीज़ अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।